कितना मेहनत हुआ? गांड बट गया बोलो लगी बम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, यू आर वाचिंग डीमोड ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया हैं, बढ़िया रहना चाहिए। फिलहाल आपका वर्क एकदम मस्त है। तो कल है शिवरात्रि, सबको हार्दिक शुभकामना शिवरात्रि का। तो आज का कोई राइड नहीं होने वाला है, आज का प्लान ये है कि कुछ भाई लोग गए हरिद्वार, उनको लेने जा रहे हैं एक्चुअल में। और ये सीन है कि वो हरिद्वार से करीबन 200 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं एकदम खाली पैर, और साबर लेके आते हैं। कोई 30 लीटर, कोई 21 लीटर, कोई 15 लीटर भाई कंधे में पानी लाना बहुत ही बड़ी बात है। तो भी खाली पैर 200 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो भाई लोग के वो लेने जा रहे हैं एक्चुअल में। तो मेरे साथ है MD और अब मेरा एक भाई है, तो अपने साथ है ड्यूक R15 जो मेरी बाइक है। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं गदरपुर साइड, इधर से अराउंड 10 या 11 किलोमीटर होगा। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, और जो सीन होने वाला है बहुत खतरनाक सा, रोड का प्रेजेंट जो है रिएक्शन बहुत खतरनाक सा लेवल होने वाला है। जो भी है लोकल में सवारी कर जाते हैं पानी लाने का आवार लाने, तो पूरा रोड एकदम ट्रैफिक है, फुल ट्रैफिक है। तो वो तो आपको मोटो ब्लॉक में दिख ही जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मिलते हैं मोटो ब्लॉक सेटअप पे। तो गाइस अभी हम आ गए मोटो ब्लॉक सेटअप पे एकदम फुल पावर के साथ, बूम बाम। तो आज जा रहे हैं हम गदरपुर सेटअप में भाई लोगों को लाने, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ब्लॉग में। और अभी तो रोड का इस साइड से देखो कोई भी कांवर यात्रा नहीं आ रहे हैं, कोई भी मतलब जो हरिद्वार से आते हैं वो कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से पूरा स्टार्ट है, और मेला भी है। तो अपने साथ ड्यूक है, हमारे भाई लोग और देख सकते हो एकदम। तो फिलहाल मैं आया था दिनेशपुर में, और सोचा कि यहीं से थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। थोड़ा काम भी था, हवा डलवाना था, पेट्रोल भी डलवाना था, डलवा लिया भाई ने। और फिलहाल एकदम अभी फुल पावर के साथ जा रहे हैं एकदम। और भाई लोग के पास कॉल भी कर दिया कि भाई लोग फटाफट आओ, बोला ठीक है। अभी भाई लोग ने भोले लोग है वो, क्योंकि हरिद्वार से उतने दूर से पानी लाना मामूली बात नहीं है। 30 लीटर, एक भाई तो है जो 30 लीटर पानी ला रहे हैं भाई कंधे में, मामूली बात नहीं है। और यहाँ का सीन देखो भाई एकदम कड़क, ये लो भाई खतरनाक सा रिएक्शन। एकदम नेक्स्ट लेवल, क्या खतरनाक सा रिएक्शन था भाई साहब। और हमारे राइडर साहब पता नहीं क्या कर रहे भाई। और भंडारा देख सकते हो यहाँ पे एकदम फुल पावर, हम भी जा रहे हैं अपने भाई लोग के पास। ये जितने भी देख सकते हो ये सब मतलब किसी ना किसी के फैमिली से हरिद्वार गया है, और सब लाने जा रहे हैं। और यहाँ का सीन तो एकदम नेक्स्ट लेवल, डीजे वीजे एकदम फुल पावर एकदम के साथ लगाए। आराम आराम से भी चलेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये सब जिधर भी देखोगे ना, मतलब हरिद्वार से सब आ रहे एकदम खतरनाक लेवल। अभी तो मेन हाईवे पे पहुंचे नहीं, वहाँ का सीन अलग होने वाला है। पूरा रोड में गए सिर्फ भोले बाबा ही देखेंगे जो हरिद्वार से आ रहे एक्चुअल में, उनको हम भोले लोग कहते हैं। और यहाँ का रोड बिल्कुल भी सही नहीं है एकदम। और हमारे ये भाई जो है पहली बार मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना गाइस। और पूरा रोड पे आपको देखोगे मिलेगा, सब जा रहे परिवार को लाने, अपने फैमिली से कोई ना कोई गया है। यार मैं भी जाता हूँ हर बार, दादी दादी माँ जो थे वो एक्सपायर हो गए, इस चक्कर में हमारे में रिवाज है कि हम नहीं जा पाएंगे एक साल तक, ये लास्ट है, इसके बाद जाएंगे हम अगले साल। आज बहुत ही मिस किया, इस बार सब गए, मेरे जितने भी फ्रेंड है सब गए खाली मेरे को छोड़कर, और ये सामने जो है MD इसको छोड़कर बाकी सब गए। एंड अभी हम हाईवे पहुँचने वाले गए, इधर इस बोली को देखो, ये टनल में थोड़ा बजाएंगे क्या, ओ हो क्या साउंड था भाई, एकदम अलग लेवल, पूरा नहीं दिया थ्रोटल। एंड सब हरिद्वार से आ रहे हैं देख सकते हो एकदम,
अभी हम भी जा रहे हैं, समझे कि हम मोटो व्लॉगिंग करते हुए जा रहे हैं, बट लेकिन किसी के साथ मिलने जा रहे हैं, तो इनका भी वैसा ही सीन है, फैमिली के साथ कोई ना कोई मतलब मिलने जा जरूर रहा है। तभी हम पहुंचने वाले हाईवे, और हाईवे पे जाके पहले फ़ोन करेंगे, फिर जाके उनसे मिलेंगे, उनका क्या सीन रहता है, कुछ जाना पहचाना से भी लोग हैं यहाँ पे। पैदल पैदल आना गाइस इतना दूर से बहुत बड़ी बात है, लेकिन सब आते हैं भाई, बहुत मेहनत होता है, मैं गया हूँ 6 बार, मेरे को पता है कितना मेहनत होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होता है गाइस। और अभी देखो ये मेन सीन गाइस, देख सकते हो अभी इधर जितने भी ये भोले लोग सब मिलेंगे अपने फैमिली से, फिर इधर से फैमिली लोग लेके जाएंगे अपने घर तक, मंदिर तक, और अपने बंदे पता नहीं कहाँ है, ये तो कुछ गांव के लोग दिखे अपने को, लेकिन अपने भाई भोले लोग कहाँ पे है। और मार्केट में थोड़ा आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि क्या पता सब एक जैसे, ये देखो सब ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहने, क्या पता निकल जाए इधर से, हमें पता भी ना चले, तो इस चक्कर में थोड़ा आराम आराम से जा रहे हैं। तो गाइस एकदम फुल थ्रोटल दे दिया अभी, एकदम फुल पटाखा, भाई लोग मिल गए अपन के। अरे अभी था पीछे था यार, करण बोले 5 minutes later, एक एक करके मिल रहे सब, ये नहीं कि एक साथ मिले। दिखे भाई तो गाइस भाई लोग मिल गए, तभी देखते हैं गाइस क्या सीन है उसका। और जाए बोलेगी बोलेगी छूछना जनो, जाए बोलेगी ओ जाए बोलेगी ओ भाई, ये देखो गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था भाई, कितना लीटर इसमें पानी है? 30 लीटर भाई साहब, एकदम खतरनाक लेवल। और तुम्हें क्या हुआ बोले? 20 लीटर लगे, काम आ गया। ना ना ना, इधर से ना थोड़ा बात करना है, कितना कितना मेहनत हुआ? गांड फट गई बोल बोले की बम, गांड फट गया बोल बोले की बम। अरे भाई के कैमरा ना देता, कैमरा छोड़ो मैं जा रहा हूँ। तो गाइस भाई भाई के साथ मिल गए, अभी अपन क्या करेंगे, अभी चलते फिर इनके साथ ही धीरे धीरे। और भाई लोग आइए, एकदम फुल कड़क, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे, जैसे कि आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा देख के,
तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। आई होप आपने बहुत मज़ा लिया होगा ब्लॉग में, इंजॉय किया होगा। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।